हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया था एचसीवी का, उसके एक्सरसाइज के 1 to 10 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम अगले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज 11 to 20। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, अ सीलिंग फैन हैज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द आउटर एजेस ऑफ द 3 ब्लेड्स ऑफ 120 सेंटीमीटर। पेन ले लो भाई। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 120 सेंटीमीटर। ठीक, इससे रेडियस निकालो तो ये हो जाएगा 120/2। ठीक है, सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज किया, मैंने बोला 10^-2 मीटर्स। ठीक जी, अब ओमेगा क्या दिया है, आरपीएम में दे रखा है कितना, 1500। मतलब एक, अब हमें पता है कि एक रोटेशन करने में कितना एंगल घूमता है, मैंने बोला 360 डिग्री घूम रहा होगा टोटल। एक सर्कल कंप्लीट करने में हम कितना घूमते हैं, 360 डिग्री एंगल घूमते हैं, दैट इज 2π रेडियन। ठीक है, तो मैंने बोला 1500 में कितना घूम रहे होंगे, तो मैंने बोला ओमेगा निकालो, तो ये हो जाएगा 1500 × 2π। ठीक है, इतना घूम रहे होंगे। मैंने बोला ये कितना आएगा, रेडियंस पर मिनट आएगा भी, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, ओमेगा हमें चाहिए होता है रेडियंस पर सेकंड में चाहिए होता है। तो मैंने बोला मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे था मिनट तो मैंने बोला 60 से ज्यादा इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम नीचे में। ठीक है, हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, नीचे था ना मिनट। ठीक है, अभी क्या बोला है, कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1 ग्राम का, दैट इज 10^-3 kg। ठीक है, और क्या पूछा है, फाइंड हाउ मच फोर्स डस इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड। कितना फोर्स पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा। मैंने बोला ये यदि फैन है और ये इसके ब्लेड्स हैं, 1, 2 और ये ऐसे 3। ठीक, यहां पे एक पार्टिकल आउटर एज पे चिपका हुआ है, तो मैंने बोला ये पूरा रेडियस यूज कर रहा होगा। ठीक, सेंटर से दूरी, ये पूरा रेडियस आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने बोला ये कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस सर्कल में घूमने के लिए, आपको सबको पता है सेंट्रिपेटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैंने बोला वही फोर्स मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो मैंने बोला जो फोर्स होगा वो होगा m इंटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। कितना हो जाएगा वो, मैंने बोला ओमेगा निकाला है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। मास कितना दे रखा है, 10^-3। ओमेगा की वैल्यू बताइए, ये दे रखा है आपका 1500 × 2π/60। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और रेडियस, रेडियस आपका है 120 ना, डिवाइडेड बाय 2 × 10^-2। ठीक है, कोई गलती है, कोई गलती नहीं। ठीक है, अब तो निकल ही गई फोर्स, सॉल्व करो इसे, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे अगर। ठीक है, 1500 × 2π/60। तो ये आ रहा है आपका लगभग 14.808 के बराबर। तो इतना न्यूटन की फोर्स लग रही होगी सेंट्रिपिटल फोर्स के द्वारा तरह। ठीक है, अब बोला हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब पार्टिकल चिपका हुआ है यहां पे, तो ये फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा होगा इस पार्टिकल पे। मैंने बोला जो दूसरे पार्टिकल फैन के होंगे वो ये फोर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे इस पार्टिकल पे। ठीक है, चिपका के रखा होगा उसने और वो सर्कल में घुमा रहे होंगे उसको। अब बोला हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एग्जर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस। ठीक है, तो मैंने बोला अगर सरफेस पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगा रहा है, 14.808 न्यूटन की, तो मैंने बोला पार्टिकल ब्लेड पे कितनी फोर्स लगाएगा, तो मैंने बोला न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैंने बोला जितना वो उस पर लगाएगा उतना वो भी उस पर लगाएगा, तो कितनी फोर्स लगाएगा ब्लेड पार्टिकल पे, पार्टिकल ब्लेड पे कितनी लगाएगा, 14.808 न्यूटन्स की। ठीक है जी, देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, अ मस्कीटो इज सिटिंग ऑन एन एलपी रिकॉर्ड डिस्क रोटेटिंग ऑन अ टर्न टेबल एट 33.5/1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। द डिस्टेंस ऑफ द मस्कीटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर।
शो दैट द फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मस्कीटो इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर बाय 81. टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन दिखाऊंगी पहले मैं आपको क्या हो रहा है क्वेश्चन में. मैंने बोला एक टर्न टेबल पे एक ऐसे रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसकी एज पे क्या है, मस्कीटो चिपका हुआ है. ठीक, जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना दे रखा है, ये आर की वैल्यू अगर मैं इसे आर मान रही हूं, ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर के बराबर. ठीक है, ओमेगा दे रखा है आपको 33 ओमेगा है आपका, दैट इज 100/3. अब ये दे रखा है आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो मैं इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज करने वाली हूं. क्या करूंगी मैं 2π/60 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है जी, ओमेगा आ गया मेरा. और क्या, आर भी मुझे पता है, और क्या पता है मेरे को, और मुझे कुछ नहीं पता है. ठीक है, मैंने बोला अगर ये बहुत तेजी से घूमने लगी, ये डिस्क बहुत तेजी से घूमने लगी तो क्या है, मस्कीटो बाहर उड़ जाएगा. ठीक है, मैंने बोला तो इसको चिपकाए रखने के लिए कुछ मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए इस डिस्क और इस मस्कीटो के पैरों के बीच में, बिल्कुल चाहिए. तो मैंने बोला जो मिनिमम फ्रिक्शन अगर हम निकालें तो उस मिनिमम फ्रिक्शन को कैसे लगना पड़ेगा, ऐसे सेंटर की तरफ, क्यों, ताकि ये सर्कल में घूमता रहे. ठीक है जी, तो मैंने बोला फ्रिक्शन कैसे होगा, मॉस्किटो पे आएगा म्यू इंटू एन के बराबर, हम पता है. ठीक है, ऐसे आ रहा होगा. अभी मैं मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकाल रही हूं, मैंने बोला अगर म्यू की वैल्यू उससे ज्यादा बढ़ा दोगे तब तो चिपका ही रहेगा. ठीक है, लेकिन कम से कम कितनी चाहिए वो वाला कंडीशन मैं देख रही हूं. तो मैंने बोला फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन के बराबर. अब मुझे पता है कि अब मस्कीटो ऐसे बैठा है तो नीचे उसका वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और सरफेस से उसको ऊपर की डायरेक्शन में क्या मिल रहा होगा, नॉर्मल मिल रहा होगा. तो मैंने बोला नॉर्मल एमजी को बैलेंस कर जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू एमजी के बराबर. अब यही एज अ, ये फ्रिक्शन ही एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह भी काम करेगा. तो मैंने बोला ये एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर भी हो जाएगा. ठीक है, अब इसको जरा काटो पीटो. तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी के बराबर. वैल्यूज पुट कर देने का है बस. ओमेगा कितना है अपना, ये आपका 100/3 इंटू 2π/60 इसका होल स्क्वायर इंटू आर कितना है, आर है आपका सेंटीमीटर में, तो 10^-2 मीटर्स में आ गया. तो 10^-2 मीटर्स में आ गया अपॉन में जी. जी मैंने रखा है 10. ठीक, तो म्यू मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आ रही है आपकी. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो इससे ये कटेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 1s, 2 3s. ठीक है, तो ये आपका जाएगा पाई स्क्वायर बाय 81 के बराबर. तो जब फ्रिक्शन कम से कम हमने लगाया है तब म्यू मिनिमम कितना आ रहा है हमारा, पाई स्क्वायर बाय 81 के बराबर है. ठीक है, आसान सवाल हो जाना चाहिए. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार टेकिंग अ टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर. कितना है रेडियस, 10 मीटर एंड स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. तो v की जो वैल्यू है वो है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में जरा चेंज करो तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5/18, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है जी, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इफ दिस एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न. ठीक है, तो मैंने बोला मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसे करके ये ऐसे एंगल बना रही होगी वर्टिकल से. ठीक है, और इसको ऐसे इस रेडियस के सर्कल में ऐसे टर्न लेने का है. ठीक है, तो मैंने बोला इस पे फोर्सेस बताओ अभी कौन कौन सी लग रही होंगी. तो मैंने बोला एक तो इस पे स्ट्रिंग की वजह से ऐसे टेंशन टी आएगा, और नीचे के डायरेक्शन में क्या आएगा, एम जी आएगा. ठीक है, अभी ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये आर है, ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा. तो टी का ये वाला कंपोनेंट अगर लिखूंगी मैं तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा के बराबर, और ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका टी साइन थीटा के बराबर.
टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही क्या होगा, इसे टर्न करने में मदद कर रहा होगा, ठीक है जी। तो मैंने बोला ऊपर नीचे की फोर्सेस बैलेंस, तो ये हो जाएगा एम जी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, ठीक है। और टी साइन थीटा ये सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह, तो टी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर की तरह लगेगा, ठीक है। फोर्स है तो मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज रेडियल ऑल्सो। तो मैंने बोला ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन नंबर टू, वन को टू से आई से डिवाइड करिए, तो ये ऐसे पलट के डिवाइड करने का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जी के बराबर आएगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल, तो थीटा ही हमें निकालना था, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर, जी के वैल्यूज पुट करो, टेन इनवर्स वी कितना है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय व्हाट इज आर, आर इज 10 एंड जी इज ऑल्सो 10, ठीक। ये कट गया, तो 10 इनवर्स 1 के कब आता है, ये आता है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज पे, ठीक। तो कितना एंगल बनाएगा स्ट्रिंग वर्टिकल से, ये बनाएगा 45 डिग्रीज, ठीक है जी, देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट द लोएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो ऐसे सर्कल में जा रहा है एक सिंपल पेंडुलम, घूम रहा है। मैंने बोला लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या है, इसके पास कितनी वेलोसिटी है, ये है इसके पास 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस दिया है वो आपका 1 मीटर के सर्कल में घूम रहा है ये, और क्या दिया है, मास दिया है इसका कितना 100 ग्राम, ठीक है। अब इस पॉइंट पे टेंशन बताना है, तो मैंने बोला कि देखो इस पॉइंट पे पहले हो क्या रहा होगा, इस पे सिंपल पेंडुलम पे मैंने बोला एक तो इसके ऊपर mg लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में वेट की वजह से, और क्या है स्ट्रिंग से टेंशन भी आएगा ना ऐसे सेंटर की तरफ डायरेक्टेड टी, ठीक है। यही इसको इन दोनों का जो नेट फोर्स निकलेगा इन दोनों की वजह से, वही क्या होगा इसको सेंटर में घूमने की वो मदद करेगा, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो क्या हो जाएगा टी माइनस ऑफ एम जी सेंटर की तरफ फोर्स विल बी इक्वल्स टू एम इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दैट इज वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस ऑफ जी के बराबर आ जाएगा। अब तो क्वेश्चन ही खत्म है, वैल्यूज पुट करनी है बस आपको, तो ये हो जाएगा 100 बाय 1000 केजीज में चेंज कर लिया है मैंने, इंटू में वी स्क्वायर कितना है 1.4 का स्क्वायर, रेडियस आपकी 1 प्लस जी 10, ठीक है। तो ये जाएगा 0.1 टेंशन इंटू में यह जाएगा 1.96 प्लस ऑफ 10, ठीक है। तो ये जाएगा 0.1 इंटू 11.96 दैट विल बी इक्वल्स टू 1.196 न्यूटन्स। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी लोअर मोस्ट पॉइंट पे, ये आएगी आपकी 1.196 न्यूटन्स के बराबर, ठीक है। आसान सवाल हो जाना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट सवाल चलें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज अ स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 0.2 रेडियंस विद द वर्टिकल फाइंड द टेंशन एट दिस इंस्टेंट। यू कैन यूज कॉस थीटा और साइन थीटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। वैसे भी ध्यान रखिएगा आप ये सब चीजें। तो मैंने बोला क्या हो रहा है इसमें, ठीक अभी क्या है स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है वर्टिकल से, ये मान लीजिए वर्टिकल है तो वर्टिकल से ये बॉब है अपना, ये कितना डिग्री बना रही है, मैंने बोला ये बना रही है 0.2 रेडियंस के बराबर, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने बोला ये ऐसे किसी सर्कल में ऐसे करके घूम रहा होगा,
तो मैंने बोला अभी इस पे फोर्सेस अगर मैं बनाऊं तो फोर्सेस कैसी कैसी लग रही होंगी इस पे। तो मैंने बोला एक तो ये सेंटर की तरफ ऐसे टेंशन टी आएगा, ठीक है जी, ये सेंटर है इसकी तरफ टेंशन टी आएगा, और क्या आएगा, और इस पे एम जी आएगा नीचे के डायरेक्शन में, ठीक। तो मैंने बोला जरा कंपोनेंट कर लो सेंटर की तरफ सारे। तो मैंने बोला ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो मैंने बोला एम जी का एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, तो मैंने बोला ये भी थीटा फिर, ठीक, वर्टिकली अपोजिट। तो मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट है जो वो जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर, और ये वाला कंपोनेंट है वो जाएगा एम जी साइन थीटा के बराबर, ठीक है जी, ठीक है। वेलोसिटी अभी इस पॉइंट पे कितनी है, ये 1.4 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। और मास मुझे दे रखा था प्रीवियस प्रॉब्लम में कितना था, 100 ग्राम दे रखा था शायद, ठीक है। और क्या दे रखा था, और रेडियस 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर ये भी दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बोला सेंटर की तरफ क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, सेंटर की तरफ आपको सर्कल में घुमाने के लिए सेंटर की तरफ कौन सी फोर्सेस है। मैंने बोला एक तो टी है और उसको अपोज कर रहा है एम जी कॉस थीटा, तो जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होगी वो है टी माइनस ऑफ एम जी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। ये क्या होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो मैंने बोला मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक, सर्कल में घूम रहे हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने बोला ये आएगी आपकी एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस ऑफ जी कॉस थीटा, ठीक है जी। अब कॉस थीटा की जगह मैंने पुट किया, मैंने बोला एम ये तो आ जाएगा एज इट इज वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस ऑफ जी, कॉस थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, वन माइनस ऑफ थीटा स्क्वायर बाय टू ये पुट कर सकते हैं, ठीक। अब कुछ नहीं है, टेंशन निकालना है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, टेंशन आ जाएगी तुम्हारी। तो मैंने बोला वैल्यूज पुट करिए, तो ये हो जाएगा एम कितना आ जाएगा आपका 0.1, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी 1.4 का स्क्वायर 1.96 प्लस जी कितना 10 इंटू में 1 माइनस थीटा कितना है 0.2, रेडियंस में ही लिखते हैं हम, तो 0.2 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सॉल्व किया कितना आया इसका 0.1 इंटू 1.96, ठीक है, यह आ जाएगा 0.98 इंटू 10 करेंगे तो यह आ जाएगा 9.8, ठीक है। तो ये आपका आएगा 0.1 इंटू ये आएगा आपका 11.76 के बराबर, और फाइनली टेंशन कितनी आ गई 1.176 न्यूटन्स के बराबर। तो इस पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, 1.176 न्यूटन्स के बराबर, ठीक है। ओके देन देख लें आप, ओके, तो 15 क्वेश्चन इज डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन दैट सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास एम इज थीटा नॉट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है बॉब, तब क्या बताना है हमें, टेंशन बताना है स्ट्रिंग में। तो हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा वी क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो मैंने बोला यदि एक सिंपल पेंडुलम हम बना रहे हैं, देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, ये ऐसे करके कुछ ऑसिलेट करेगा, ठीक, इसकी वैल्यू हमें थीटा नॉट यहां दे रखी है, ठीक। जब यहां पे पेंडुलम है अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो क्या हो रहा है, इस पर अगर मैं फोर्सेस बनाऊंगी तो अभी कैसी कैसी फोर्सेस लग रही होंगी इस पर। मैंने बोला एक तो टेंशन आ रही होगी इस पर स्ट्रिंग की वजह से टी, ठीक, और क्या होगा, मैंने बोला एक एम जी आएगा इसे नीचे के डायरेक्शन में, ठीक, इस एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे ऐसे और ऐसे करके, ठीक है जी, आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैंने बोला अगर ये थीटा है तो मैंने बोला ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा नॉट होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका, एम जी कॉस थीटा, ठीक, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। मैंने बोला एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी तो नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। अभी क्या होगा,
नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने बोला टी विल बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी एम जी कॉस थीटा नॉट के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है, देख लीजिए, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया है, अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट। ये पार्ट ए है और पार्ट बी दिया है आपका। इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस केस। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि एक आदमी को इक्वेटर पर खड़ा कर दिया जाए तो बताइए कि कितने फ्रैक्शन से उसका जो ट्रू वेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यही दिया हुआ है, तो देखिए वही कर लेते हैं जो दिया हुआ है। हमें क्या है, हमने बोला, अरे पेन ले लो, हमने बोला ये अर्थ है अपनी, ये आ गया अपना इक्वेटर। ठीक है, मैंने बोला एक बंदे को ये स्प्रिंग बैलेंस यहां पे रखो और यहां पे एक बंदे को ऐसे खड़ा कर दो इस पे। ठीक है, मैंने बोला इस पे फोर्सेस कैसी कैसी आएंगी जरा देखो। तो मैंने बोला एक तो अगर इस अर्थ का रेडियस आर दिया हुआ है तो मैंने बोला एक तो सेंटर की तरफ आएगा इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, बिल्कुल आएगा। मैंने बोला एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कंपोनेंट एक आएगा बाहर की तरफ रुका हुआ है, तो मैंने बोला m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। और कुछ आएगा इसमें, मैंने बोला और कुछ तो नहीं आएगा। मैंने बोला और एक नॉर्मल लगेगा जिस नॉर्मल को सपोर्ट करेगा स्प्रिंग बैलेंस, वो नॉर्मल ही क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर रहा होगा। ठीक है, वो नॉर्मल की रीडिंग ही स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, मेजर कर रही होगी। तो मैंने बोला बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन द ट्रू वेट, तो मैंने बोला ऐसे करके आएगा बैलेंस रीडिंग। ठीक है, तो मैंने बोला जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा आपका एम जी, ये बैलेंस रीडिंग की बात कर रही हूं, ये रीडिंग है आपकी। ठीक है, तो मैंने बोला एम जी माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी जब इक्वेटर पे खड़ा है, मैंने बोला इसका ट्रू वेट हमें पता है कितना है, ट्रू वेट इसका किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, सबको पता है ये बात। मैंने बोला तो कितने फ्रैक्शन से लेस हो जाएगा रीडिंग, मैंने बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन द ट्रू वेट, तो मैंने बोला अगर मैं आर डैश की बात करूं, इसको मैंने आर डैश बोल दिया, आर डैश बोल दिया इसको, तो मैंने बोला आर डैश आपका किसके बराबर हो जाएगा, मैंने बोला ट्रू वेट माइनस ऑफ जितना आएगा उस पे, तो मैंने बोला एम जी माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये है इक्वेटर पे जो वेट आ रहा है। ठीक है, और ये उसका ट्रू वेट है। तो मैंने बोला कितने फ्रैक्शन से लेस होगा, तो मैंने बोला ओरिजिनल में से जितना पहले था जितना बाद में हुआ अपॉन में जितना पहले था। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं ना ऐसे। तो मैंने बोला एम 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 से तो चला गया, ठीक है, एम जी से एम जी उड़ गया, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय आर जी के बराबर। ठीक है, आर डैश की वैल्यू तो कितना आंसर आ रहा है इसका, तो आर डैश विल बी, यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो मैंने बोला ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा अर्थ के लिए, मैंने बोला एक चक्कर लगाने पे कितना कारोबार करता है, 2π, एक दिन में कितने 24 घंटे और 60 × 60, ठीक है, इतना सेकेंड्स। ठीक है, ये तो आ गया ओमेगा। अब अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर इंटू में 10³ किया तो मीटर्स में बदल गया, अपॉन में जी क्या किया मैंने 10। ठीक, सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, पुट करने पर देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करिए क्या आ रहा है आंसर, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका, यह आएगा आपका 3.5 × 10⁻³ बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट, इतने से 3.5 × 10⁻³ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पार्ट ए का आपका आंसर हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला इक्वेटर पे वेट कितनी रीडिंग आ रही होगी, मैंने बोला ऐसे सेंट्रीफ्यूगल लगाया नीचे mg, मैंने बोला mg माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r, इतनी रीडिंग आ रही होगी। मैंने बोला ट्रू वेट था उसका mg, मैंने बोला आप कितना लेस हो गया फ्रैक्शन, मैंने बोला उससे माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट कर दिया, और कुछ नहीं किया है, बाद में वैल्यूज पुट कर दी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बी क्या दे रखा है, इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन
इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस केस? ठीक है, बोला है कि अर्थ की स्पीड ऐसे बढ़ा दी गई है कि जो बैलेंस रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द ट्रू वेट हो गई। तो बोलो कि बताया है कि बताओ लेंथ ऑफ द डे कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ चुका है हमको। अब करने का कैसे है? इसको मैं हटा रही हूं जल्दी से। ठीक है, अभी दोबारा से देखना। मैंने बोला इस समय रीडिंग है वो हाफ ऑफ द ट्रू वेट है। ठीक है जी, तो मैंने बोला बैलेंस रीडिंग कितनी आ रही थी हमारी, बैलेंस रीडिंग हमारी आ रही थी mg माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। मैंने बोला इसी को बोला है हाफ ऑफ mg के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा mg माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, जो बोला बस पुट कर देने का है। ठीक है, तो यहां से जो आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर r आएगा आपका g बाय 2 के बराबर ना। हां जी, तो ओमेगा निकल के आएगा जी बाय टू आर, इसका अंडर रूट। ठीक, अब बोला है कि ड्यूरेशन लेंथ ऑफ द डे निकालना है, तो मैंने बोला टी की जो वैल्यू आएगी वो होती है आपकी 2 पाई बाय ओमेगा। ये टी ही आपको निकालना था यहाँ पे, तो मैंने बोला जो आएगी टाइम पीरियड निकालना है ना, तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में अंडर रूट ऑफ 2 आर बाय जी के बराबर। वैल्यूज पुट करना चालू कर रही हूं मैं, तो मैंने बोला 2 इंटू पाए इंटू 2 इंटू आर कितना हो जाएगा 6400 इंटू 10^3 रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, मैंने 9.8 पुट कर लिया ताकि मुझे सुविधा हो जाए थोड़ा सा, तो मैंने बोला 2 पाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.9 और ये 8 और 60, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 30 यहाँ से और 7 यहाँ से। ठीक है, ये तो आगे मेरा सेकेंड्स में, मैंने बोला इसको 3600 से जरा नीचे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका आर में। ठीक है, तो बताइए कितना आ रहा है आपका लेंथ ऑफ द डे, आप खुद से करिए, मैं जरा कैलकुलेटर का प्रयोग करूंगी। ठीक है, आप लोग सभी खुद से करें। एक तो ये एक इससे ये कट जाएगा, एक जीरो बचेगा। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 2 आर के बराबर। ठीक है, 2 आर्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, पहला वाला पार्ट हो जाएगा तो दूसरे वाले पार्ट में कुछ करना ही नहीं है फिर आपको, बस आपको ये रीडिंग की वैल्यू पुट करनी थी यहां पे, उसके बाद ओमेगा निकला, ओमेगा से आपने लेंथ ऑफ द डे निकाल लिया। ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन अगर नहीं, फर्स्ट पार्ट अगर इसका अच्छे से नहीं हो पाएगा तो सेकेंड पार्ट होना मुश्किल है, देख लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 इज डन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंड फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इफ द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.4, व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ अ व्हीकल सो दैट इट नीदर स्लिप्स डाउन नॉर स्किड्स अप। ठीक है, देखो स्लिप्स डाउन और स्किड्स अप के केस में क्या होगा कि एक बार तो व्हीकल क्या होगा, जब ऊपर की तरफ व्हीकल स्किड हो सकता है तब क्या होगा, जो हमारी गाड़ी होगी वो मैक्सिमम स्पीड पे चल रही होगी, वो वाला केस लेंगे। और स्लिप्स डाउन की जो कंडीशन होगी वो तब होगी जब हमारी गाड़ी क्या होगी, मिनिमम स्पीड पे चल रही होगी, तो फ्रिक्शन, तो गाड़ी नीचे की तरफ गिर सकती है, तो फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रहा होगा, अपवर्ड द इंक्लाइन। ठीक है, तो ये हमारे दो केसेस बनेंगे इसमें। अब कैसे सॉल्व करने का है, तो मैंने बोला क्या क्या दे रखा है पहले लिख लेंगे हम, पेन ले लेंगे सबसे पहले। तो मैंने बोला रेडियस दे रखा है आपको 20 मीटर, ठीक है, और वी की वैल्यू दे रखी है 36 किलोमीटर पर आर, दैट इज ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 बाय 18 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कुछ दे रखा है, और म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है ये 0.4 दे रखी है। ठीक है, तो मैंने बोला देखिए कैसे बनेगा ये, अगर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ऐसे करके कुछ हमारी इंक्लाइन है, इसके ऊपर हमारी गाड़ी ऐसे करके कुछ है। ठीक है, अभी इस पर क्या क्या फोर्सेस आएंगी वो मैं बना रही हूँ। मैंने बोला देखिए एक तो आएगा mg, मान लीजिए थीटा एंगल पे बैंगड है। ठीक है, मैंने बोला एक तो उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या आएगा mg, आना ही चाहिए। मैंने बोला एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा एम
वी स्क्वायर बाय आर, क्यों? क्योंकि सर्कल में जाने का है, रोक्ड बेंड है, ठीक है जी। और क्या आ रहा है, और कुछ आ, मैंने बोला अभी क्या है ये वाला केस मैंने लिया है मैक्सिमम स्पीड का, मैक्सिमम स्पीड का केस ले रही हूं मैं अभी, ठीक है। तो मैंने बोला मैक्सिमम स्पीड पे क्या होगी, कार क्या होगी, ऊपर की तरफ स्किड मारेगी। तो मैंने बोला वो चीज रोकने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ ऐसे एक्ट करेगा, कितना एक्ट करेगा, म्यू इंटू एन के बराबर एक्ट करेगा। एक फोर्स और लग रही होगी ऐसे करके एन, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है जी। अब मैंने बोला इन फोर्सेस के जरा कंपोनेंट कर लो अलोंग द इंक्लाइन। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे करके दो कंपोनेंट आएंगे। मैंने बोला इसका कंपोनेंट ये एंगल आएगा थीटा, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है जी। और ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, ठीक। एम जी का कंपोनेंट करूंगी तो मैंने बोला ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक। और अलोंग द इंक्लाइन क्या आएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। फोर्स बैलेंस करने चालू कर दीजिए। तो मैंने बोला वर्टिकल में तो क्या हो रहा है, एन किसको बैलेंस कर रहा है, इसको। तो मैंने बोला एन विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बटा आर साइन थीटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। मैंने बोला और ये म्यू एन किसको बैलेंस करेगा, मैंने बोला म्यू एन बैलेंस करेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा। तो मैंने बोला म्यू एन प्लस ऑफ एम जी साइन थीटा, ठीक है, फोर्सेस देखते रहिए, म्यू एन और एम जी साइन थीटा इस साइड, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटा आर कॉस थीटा, ठीक है। मैंने बोला एन की वैल्यू इधर से निकालो और इधर पुट करो जरा, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम वी स्क्वायर बटा आर साइन थीटा प्लस ऑफ एम जी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला एम 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 और एम से एम तो उड़ गए सारे, ठीक है। अभी क्या है, बी स्क्वायर वाले कंपोनेंट को अगर एक साथ करें तो ये हो जाएगा म्यू जी कॉस थी, इसको पूरे को जरा साइन कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, पूरे को मैंने बोला कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा म्यू जी, ये तो हो जाएगा वन, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। और क्या हो जाएगा, मैंने बोला ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा हो जाएगा वन, और इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू टेन थीटा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीधे सीधे दिख रहा है हमें, ठीक है। तो वी हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, हमारे लिए क्या आया यहाँ पे आर जी म्यू माइनस ऑफ टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है, म्यू जी, ठीक है, यहां से और प्लस, यहां पे प्लस प्लस म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है, इसका अंडर रूट। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम स्पीड के केस में जब व्हीकल क्या है, स्किडिंग अप है, ठीक, मैक्सिमम स्पीड स्किड्स अप, ठीक है, वो वाला केस है, ठीक है जी। तो मैंने बोला ठीक है, तो उसमें हमें आर पता है, जी पता है, टेन थीटा पता है, टेन थीटा नहीं पता है, और हमें म्यू पता है। तो मैंने टेन थीटा कैसे निकलेगा, तो मैंने बोला ये है कि थीटा एंगल पे अगर रोड बैंड है तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कैसे आती है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी से, ये हमने देखा था। तो मैंने बोला यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी टेन इंटू टेन, ठीक है, आर कितना है ट्वेंटी बटा टेन, तो ये इससे गया, इससे ये गया, तो ये हो जाएगा वन बाय टू के बराबर, दैट इज पॉइंट फाइव, ठीक। मैंने बोला अब वैल्यूज पुट कर दो मैक्सिमम स्पीड के लिए, तो वी आ जाएगा, तो मैंने बोला वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर कितना है ट्वेंटी, जी कितना है 10, ठीक है, म्यू कितना है आपका 0.4,
ठीक है, प्लस टेन थीटा कितना है 0.5 अपॉन में 1 माइनस, 1 माइनस म्यू कितना है 0.4 और टेन कितना है 0.5। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, कितना आ रहा है आपका, मैंने बोला ये तो हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 0.9 और ये हो जाएगा 0.8 0.2 तो ये जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये जाएगा 2 1 0 2 4 0.4, तो ये आ जाएगा आपका v की जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 3 × 10/2, दैट इज v विल कम आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड और 54 किलोमीटर पर आर। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, क्या किया है मैंने, ये वो स्पीड निकली है जब हम मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे होंगे, तो इतनी मैक्सिमम स्पीड पे व्हीकल हमारा चल सकता है, तो क्या हो जाएगा, स्किड आपका केस बनेगा। उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, फ्रिक्शन को नीचे लगा दिया और हमने सॉल्व कर दिया। सिमिलरली हम स्लिप्स डाउन के लिए करेंगे, अभी क्या हो, व्हीकल नीचे आ रही है, सारी फोर्सेस बाकी वैसे ही लगेंगी, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है जी, वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूं कैसे बनेगा। ये है इंक्लाइन, ठीक है, इस पे ये रख दी मैंने गाड़ी अपनी। ठीक है, अभी फोर्सेस कैसे कैसे आ रही थी वो मैं डायरेक्टली बना रही हूँ उस पे। मैंने बोला एक तो इस साइड में आ रही थी, कितनी क्या आ रही थी, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, तो इधर आ रही थी एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। ठीक है जी, एक ऊपर आ रहा था नॉर्मल, नीचे आ रहा था एम जी कॉस थीटा। ठीक है, नीचे एक और फोर्स आ रही थी एम वी स्क्वायर बटा आर साइन थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ रही थी, क्या थी वो, एम जी साइन थीटा। मैंने बोला आप स्लिप्स डाउन का मिनिमम स्पीड वाले का केस है, मिनिमम स्पीड, ठीक है, तो व्हीकल विल स्लिप्स डाउन ट्राई टू, तो मैंने बोला क्या होगा, फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा इस बारी, मैंने बोला ऊपर के डायरेक्शन में ताकि रोक दे नीचे ना जाए, तो मैंने बोला म्यू एन ऐसे लगा दो। ठीक, हमने सबरी फोर्सेस बना दी, आप बैलेंस कर लीजिए, तो मैंने बोला n अभी भी किसके बराबर हो जाएगा, n विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बटा r sin थीटा के। ठीक है, लेकिन अभी ये वाली फोर्सेस चेंज हो गई, तो मैंने बोला यहां पे क्या होगा, mg sin थीटा विल बी इक्वल्स टू म्यू n प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन में r cos थीटा, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू n प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन r कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, मैंने बोला एन की वैल्यू एम 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 सबरे में काट दो, तो मैंने बोला एन की वैल्यू अब पुट करो उसमें, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू जी, सॉरी, इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस ऑफ v स्क्वायर अपॉन r cos थीटा के बराबर। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला इस पूरे को क्या करो, 1 बाय cos थीटा से इंटू कर लो जरा, तो ये हो जाएगा आपका g tan थीटा, ठीक है, g tan थीटा माइनस ऑफ म्यू g, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका म्यू tan थीटा प्लस ऑफ म्यू टेन थीटा प्लस ऑफ वन, ठीक, इनटू में क्या आ जाएगा आर, इसका अंडर रूट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके वी के बराबर हो जाएगा, ये मिनिमम स्पीड के केस में हमने निकाला है। तो मैंने बोला अब कुछ करने का है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करने का है, तो मैंने बोला वी विल बी इक्वल टू, मैंने बोला आर जी अगर अंदर से लेंगे तो आर हो जाएगा 20 × 10, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, टेन थीटा माइनस ऑफ म्यू, टेन थीटा 0.5 माइनस ऑफ म्यू इज 0.4, ठीक है, और क्या आ जाएगा म्यू टेन थीटा, ना म्यू टेन थीटा, म्यू कितना है 0.4, टेन थीटा 0.5 प्लस ऑफ 1, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका आर जी, पुट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो मैंने बोला ये 200 × 0.1, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 1 1.2, ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 200/12, ठीक है,
तो 4 3 12, 4 5 20 और 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50 बटा 3। ठीक है, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 50 बाय 3, निकालो जरा। ये आएगा आपका 4.08 मीटर पर सेकंड करके। ठीक है, 4.08 मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 14.69 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चेंज करना, निकल के आ जाएगा, कुछ नहीं किया है, वही किया, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन बस चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि वो नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, तो हमने उसे रोकने के लिए फ्रिक्शन कैसे लगा दिया है, ऊपर की तरफ लगा दिया है। ठीक है, उसे नीचे जाने नहीं देगा फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। अ मोटरसाइकिल हैज टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन एन ओवर ब्रिज व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एंड हैज अ टोटल लेंथ एल। रेडियस आर है उसका और लेंथ कितनी है एल। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट starts from the highest point. What can its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point? ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन दिखा रही हूं। मैंने बोला ये आर्क है, ऐसे करके ये आर्क जो लेंथ है वो एल है और ये जो रेडियस दिया हुआ है इसका ये कितना है आर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बोला ये कुछ हाइएस्ट पॉइंट होगा इस आर्क का। मैंने बोला इस पॉइंट पे कितनी स्पीड रहे, मैंने व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, कॉन्टैक्ट नहीं टूटे। तो मैंने बोला क्या होगा यहाँ पे, मैंने बोला फोर्सेस कैसे कैसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये व्हीकल होगी तो इस पे फोर्सेस कैसे आ रही होंगी। मैंने बोला जस्ट बिफोर, तो मैंने बोला यहाँ पे एक तो एम जी लग रहा होगा नीचे, अगर इसका मास एम है तो एम जी नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। मैंने बोला और एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा कैसे, एम वी स्क्वायर बटा आर के रूप में। ठीक है, कैसे आएगा, एम वी स्क्वायर बटा आर के रूप में। मैंने बोला इस पूरे एंगल को, ये जो एंगल है, मैंने बोला इसको थीटा मान लिया। तो थीटा निकालने का तरीका आपको पता है, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो मैंने बोला एल बटा आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, मैंने बोला ऊपर वाले पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे कॉन्टैक्ट ब्रोक ना हो, तो मैंने बोला नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स को बैलेंस कर दे। तो मैंने बोला एम जी विल बी शुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बटा में आर हो जाए। तो यहां से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वी की वैल्यू हो जाएगी आर जी का अंडर रूट। अब आर को किससे चेंज करेंगे हम, कैपिटल आर से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर जी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला ऊपर नीचे की फोर्स बैलेंस होनी चाहिए यहाँ पे। तो मैंने एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी। तो हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर जी के बराबर। अभी बोला है क्या सेकेंड पार्ट, इफ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड ऑफ, कहाँ गया, इफ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड ऑफ 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम स्पीड फाउंड इन पार्ट ए, वेयर विल इट लूज द कॉन्टैक्ट विद द रोड। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, मैंने बोला क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला मान लीजिए सेम आर्क है। ठीक है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था ऐसे, मैंने उसने बोला कि किसी पॉइंट पे जाके, यहां पे मैंने बोला इस पॉइंट पे जाके क्या है, कॉन्टैक्ट लूज कर जा रहा है, इस पॉइंट पे जाके कॉन्टैक्ट लूज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बताओ ये पॉइंट कितना होगा, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी हमें। तो मैंने बोला कुछ नहीं है, कैसे करेंगे, मैंने बोला इसको जरा ऐसे करके मिला दो। ठीक है, तो मैंने बोला इस पे फोर्सेस कैसी कैसी आ रही होंगी, मैंने बोला एक तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, और एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कंपोनेंट कैसे आएगा, ऐसे बाहर की तरफ, कितना mv स्क्वायर बटा r। ठीक है, मैंने बोला यदि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, मैंने बोला ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल भी आपका कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, मैंने बोला एम जी के, इस एम जी के दो कंपोनेंट अगर मैं करूंगी तो ये कैसे कैसे आएंगे, इस एम जी के दो कंपोनेंट, तो मैंने बोला एक तो इसके अलोंग आएगा कैसे, ऐसे करके, कितना आएगा ये वाला कंपोनेंट, ये आएगा आपका एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और एक ऐसे का आएगा, कितना आएगा ये, एम जी साइन थीटा के बराबर।
ठीक, ऐसे आएंगे दो कंपोनेंट, ठीक है, इस पॉइंट के बाद कॉन्टैक्ट लूज हो जा रहा है, तो मैंने बोला ये पॉइंट की दूरी इस हाईएस्ट पॉइंट से, मैंने बोला ये दूरी मान लो जरा एक्स, ये वाली लेंथ मैंने कितनी मानी है, एक्स मानी है, ये मैंने एंगल थीटा माना था तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, इस mg के दो कंपोनेंट किए, मैंने बोला mg cos थीटा इसके लॉन्ग, mv square बाय r के लॉन्ग, और एक कंपोनेंट इधर इस डायरेक्शन में है कितना, mg sin थीटा, मैंने बोला जस्ट इसके बाद कॉन्टैक्ट लूज हो जाने का है, तो मैंने बोला mv square बटा r विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो v यहां से m तोड़ गया, तो हमारा v कितना आ गया, v आ गया हमारा कैपिटल आर जी कॉस थीटा, ठीक है, इसके बराबर आ गया, ठीक, ये आ गया। अभी एक चीज और बोला है, इफ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड, कितनी स्पीड है, वन बाय रूट टू टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए, तो मैंने बोला वी की वैल्यू यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से कितनी लेनी है, वी की वैल्यू लेनी है 1/√2, किसके लिए, इस वाले के स्पीड के, अंडर रूट ऑफ आर जी के बराबर लेनी है, ठीक। तो मैंने बोला अंडर रूट ऑफ आर जी कॉस थीटा, ठीक है, तो ये अंडर रूट आर जी से अंडर रूट आर जी गया, तो कॉस थीटा कितना निकल के आया है यहां से आपका 60 डिग्री, ठीक। ओए डायरेक्ट नहीं, कॉस थीटा निकल के आया आपका 1/2, तो थीटा निकल के आया आपका पाई बाय 3 के बराबर, ठीक है जी, तो थीटा पाई बाय 3 के बराबर। अब हमें एक्स ही बताना था कि हाईएस्ट पॉइंट से कितनी दूर पे है, तो एक्स तो हमने पता है कि थीटा क्या होता है, आर्क, आर्क लेंथ दैट इज एक्स अपॉन में रेडियस कितना था आर, कैपिटल आर, तो थीटा की वैल्यू पुट करो पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू एक्स बटा आर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई पाई आर बाय 3 के बराबर, मतलब हाईएस्ट पॉइंट से कितनी दूरी चलेंगे अगर हम पाई आर बाय 3 चलेंगे तो क्या होगा, अगर वो इतनी स्पीड से चलेगा तो कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनी वेयर ऑन द ब्रिज, किसी भी पार्ट ऑफ द ब्रिज में कॉन्टैक्ट लूज ना हो, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला अगर किसी भी पार्ट पे कॉन्टैक्ट लूज ना करना है तो मैंने बोला इसको मैं हटा रही हूं सबको, मैंने बोला किसी भी पार्ट पे कॉन्टैक्ट लूज ना ही करना है तो क्या होना चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल एज तक पहुंच जाए तो अपना काम बन जाएगा, मैंने बोला इसके बाद तो फिर चले ना चले वो बात अलग है, कम से कम यहां तक पहुंच जाए, तो मैंने बोला कि किसी भी पार्ट ऑफ द ब्रिज में कॉन्टैक्ट लूज नहीं किया, तो मैंने बोला फिर से ऐसे बनाएंगे, मैंने बोला ये लो आर्क लेंथ, ठीक, मैंने बोला ये एंगल मेरा थीटा था, ठीक है जी, मैंने बोला जस्ट यहां तक पहुंच जाने का है, इसको जस्ट इस पॉइंट तक पहुंच जाए, मैंने बोला फोर्सेस कैसी कैसी आएंगी इसके ऊपर, अभी मैंने बोला एक तो क्या आएगा mg जो कि आएगा ही, ठीक, और एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा कैसे mv स्क्वायर बटा r, ठीक, इस पॉइंट आने के बाद मैंने बोला ये एंगल अगर मैंने बोला है थीटा, ये वाला एंगल मैंने बोला इस वाले एंगल को थीटा मान लो, ऐसा करो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, मैंने बोला इस वाले में मैंने इतने एंगल को थीटा डैश बोला है, ठीक है, तो ये थीटा डैश, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा डैश हो जाएगा मेरा, मैंने बोला mg के जरा दो कंपोनेंट करके दिखाओ मुझे, तो मैंने बोला एक mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा कैसा mg cos थीटा डैश, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा क्या mg sin थीटा डैश, ठीक है जी, मैंने बोला इसके बाद यहां तक पहुंचना चाहिए मिनिमम, तो मैंने बोला mv स्क्वायर बटा r शुड बी इक्वल्स टू कितना mg cos ऑफ थीटा डैश के बराबर होना चाहिए, मैंने बोला m से m तो उड़ गया तो v कितने बराबर हो गया rg cos थीटा डैश, ठीक है, इसका अंडर रूट। अब थीटा डैश कैसे निकलेगा, मैंने बोला ये पूरा l था तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा l बाय 2 के बराबर, ये रेडियस मुझे इसका r पता ही है, तो थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आर्क लेंथ दैट इज l बाय 2 बटा में रेडियस कितना है r के बराबर है, तो ये हो जाएगा l अपॉन 2 r के बराबर, मैंने बोला वैल्यू पुट कर दो तो कितनी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, ये हो जाएगा आर जी कॉस ऑफ l अपॉन 2 r, इतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट
एनी वेयर ऑन द ब्रिज, इससे ज्यादा स्पीड पे यदि चल गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। ठीक है, इतनी मैक्सिमम स्पीड ये रख सकता है, इसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट लूज हो सकता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि लास्ट पॉइंट तक, बिल्कुल एज तक पहुंचना हमारा इंपॉर्टेंट है, वही मैंने कंडीशन बनाई और मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, किया जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दे रखा है, अ कार गोज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, द स्पीड इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू ए, द फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू, फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड। ठीक है, मैंने बोला ठीक है बाहर को चली जाएगी कार, कैसे होगा, तो मैंने बोला मान लीजिए ये एक सर्कुलर रोड है ऐसे करके, ठीक है, इस पे मेरी कार ऐसे है, ये मैंने बोला एक्सेलरेशन के दोनों ही कंपोनेंट होंगी, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन के दोनों ही कंपोनेंट होंगे, क्या, रेडियल भी और टेंजेंशियल भी। ठीक है, तो मैंने बोला यदि मैं कार को रुका हुआ मान रही हूं तो सूडो फोर्स एक्ट कर रही है, तो मैंने बोला कैसे कैसे एक्ट करेगी, तो मैंने बोला एक तो ऐसे आएगी, कितनी बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स, कितनी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और एक नीचे के डायरेक्शन में कितनी एम डीवी बाय डीटी, ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये मेरा रेडियल एक्सेलरेशन। यहां पे मेरा रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन है मेरा वी स्क्वायर अपॉन आर, और मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये है मेरा डीवी बाय डीटी, ठीक है, दैट इज ए के बराबर। तो मैंने बोला ए नेट, ए नेट, नेट एक्सेलरेशन मेरा कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लो। ठीक है, ये तो मेरा नेट एक्सेलरेशन आ गया। तो मैंने बोला इन दोनों एक्सेलरेशन, ये एक फोर्स ऐसे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स बाहर की तरफ, और एक ऐसे लगेगी। मैंने बोला कि अभी क्या होगा, मैंने बोला इन दोनों को देखिए, इस रेडियल एक्सेलरेशन और इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगी, इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा, मैंने बोला नेट फोर्स कैसे आएगी, ऐसे करके कुछ आएगी, ये एफ नेट आएगी मेरी। ठीक है, अब क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन सॉरी फ्रिक्शन क्या होगा, इस एफ नेट फोर्स के ही क्या होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो मैंने बोला अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन में बनाऊंगी तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ ऐसे करके आना चाहिए, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये किसके बराबर होना चाहिए, म्यू इंटू एन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैंने बोला म्यू एन किसके बराबर होना चाहिए, मास इंटू ए नेट के बराबर होना चाहिए। ठीक, इसी के अपोजिट, तो नेट फोर्स के अपोजिट ही तो लगता है फ्रिक्शन, बिल्कुल इसी को तो रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, जाने नहीं देना है बाहर की तरफ। ठीक है, तो मैंने बोला अब मेरे पास क्या है, एन नहीं मिल रहा है इसमें से, एन कैसे निकलेगा। मैंने बोला यदि ये तो मैं अभी क्या है, बॉडी को ऊपर से देख रही हूं, जब मैं बॉडी को ऊपर से देख रही हूं तो मुझे ये फोर्सेस दिख रही है। मैंने बोला यदि सामने से अगर आप बॉडी को देखेंगे तो आपको क्या कैसा दिखेगी बॉडी पे फोर्सेस। मैंने बोला एक तो एम जी लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, ठीक, और एक एन लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, और एक एम वी स्क्वायर बटा आर ऐसे आएगी बाहर को। ठीक है जी, मैंने बोला तो एन किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो रहा है, दिख रहा है मुझे एन एम जी के बराबर है। तो यहां पे n को mg से जरा रिप्लेस करो तो कितना आएगा, तो ये लिखेंगे म्यू इंटू एन की जगह mg इक्वल्स टू m इंटू ए नेट की जगह हो जाएगा v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर। ठीक, तो m से m कट गया तो हो जाएगा म्यू जी माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, इंटू में r स्क्वायर Equals to v to the power 4। तो हमारी v कितनी आ गया, v की वैल्यू तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर इंटू में r स्क्वायर इसका 1/4। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने तो कुछ ज्यादा किया नहीं है। एक बार मैंने क्या किया है कि मैंने वो ऊपर से देखी बॉडी को, सर्किल में जा रही थी, तो मैंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्सेस बनाई बॉडी पे, उसको एफ नेट निकाला, एफ नेट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मैंने फ्रिक्शन लगा दिया है उसको रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, फोर्सेस बनाई, इक्वल किया, एन की वैल्यू निकाली, ठीक है, पुट कर दिया, आंसर आ गया मेरे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगी, व्हीकल स्किड कर जाएगी इस स्पीड के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, आज हमने सर्कुलर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के डिस्कशन भी कर लिया है।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले के बचे 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी। तो ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा है, आराम से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कर हम वही रहे, फोर्सेस बनाते हैं, एबीडीज बैलेंस कर रहे हैं जो हमने सीखा है पहले। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, चलिए।